अस्सलाम वालेकुम सर। सर आज के इवेंट के हवाले से कुछ बताएं, किस बारे में, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके? ये हमारा इवेंट है, ये सीरीज़ हम करते हैं कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन में, जहाँ पे जो इस एरिया के जो डॉक्टर्स हैं उनके अंदर जो जदीद टेक्निक्स हैं या कोई नई प्रोसीजर या कोई दवाई या कोई आया है तो उसके बारे में आगही इंफॉर्मेशन हम देते हैं उनको। और इट इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ आवर रिलेशनशिप बिल्डिंग विद द ओवरऑल डॉक्टर कम्युनिटी एंड एडिंग वैल्यू टू देम। सो इट्स अ सीरीज ऑफ इवेंट्स एंड टुडे इज द फर्स्ट इवेंट ऑफ दैट सीरीज़। जो एडवांसमेंट हो रही है, कोई नई टेक्निक आई है या कोई नई डिजीज़ हुई है जिसके बारे में डिस्कशन हो तो उनकी डेवलपमेंट के लिए हम ये प्रोग्राम्स करते हैं। सेकेंडली यही है कि उनके साथ हमारा रिलेशनशिप भी इस पे पीछे बिल्ड हो। डायबिटीज इज अ प्रिवेंटेबल, इज अ डिलेएबल कंडीशन। इसके अंदर प्रिवेंशन हो सकती है अगर लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस हो, लोग एक्सरसाइज करें, अपनी डाइट को मॉनिटर करें, अपनी डाइट के अंदर से फास्ट फूड, जंक फूड, बहुत ज़्यादा मीठा, बहुत ज़्यादा चिकनाई। और चिकनाई के मामले में मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में चिकनाई की कंजम्पशन दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जिन ममालिक में कंजम्पशन है वो उनमें से एक पाकिस्तान। तो कम अज़ कम लोगों को ये बताना कि आप इस हवाले से केयर करें, ये चीज़ प्रिवेंट कर सकती है डायबिटीज़ को। अस्सलामुअलैकुम सर, ऐसे इवेंट्स जो आज आप एंड करवा रहे हैं इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है? Today's event organized by Dr. Akbar Niazi Teaching Hospital was a very useful event on a very important topic of diabetes, which is very common and prevalent. And inviting the general practitioners from the local area would bridge the gap between the community and the hospital, and hence would treat and create awareness in the general population and in the people so that they can overcome this illness in a best possible manner. बहुत इंटरैक्टिव और बहुत इंफॉर्मेटिव इवेंट रहा आज का, तो आपकी नज़र में कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं ऐसे इवेंट्स और सोसाइटी में क्या चेंज लेके आ सकते हैं? दे कैन ब्रिंग अ बिग चेंज, बिकॉज स्पेशली अगर आप देखें ये बाराको का जो एरिया है, इट्स अ कम्युनिटी, इट्स अ वेरी टाइट कम्युनिटी। सो फॉर अस टू बी एबल टू रीच दीज GPs हु आर इन क्लोज contact with the individuals of this community and to educate them even slightly about such a common disease such as diabetes jo itni mishandle ho rahi hai unfortunately. So I think this event is very helpful for everybody, and you need to target GPs because GPs are the gatekeepers of the healthcare system. I mean, if you cannot get them on board, you cannot reach out to the community. So and as aajkal internationally community medicine ya community approach jo healthcare ki hai, I think events like this will contribute a lot to that. तो हमारे persistent follow up में है patient, तो उसका अच्छा control कर लें पहले ही, और उसके बाद रमजान से बिल्कुल पहले उसको बुला के उसकी जो दवाएं हैं उनको readjust करें। For example, कोई insulin के ऊपर है तो major dose should be given at the start. मेरे साथ कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर उस्मान है जिन्होंने आज प्रेजेंटेशन दी थी, इनसे बात करते हैं। सर आपका मोटिव भी आज जो इवेंट की का मोटिव था वो ये था कि एम्पावर करना है जनरल प्रैक्टिशनर्स को, तो सर अगर एम्पावरमेंट मिल जाती है जनरल प्रैक्टिशनर्स को तो आपके ख्याल में कितना डिफरेंस आ सकता है सोसाइटी में? लेकिन जी डायबिटीज़ तो एक ऐसी डिजीज़ है जो कि कम्यूनिटी में ट्रीट होनी चाहिए, और एक्चुअली ये इतनी ज़्यादा है कि अगर हम ये समझें कि पाकिस्तान में मौजूद 26.4% पॉपुलेशन जो है वो हॉस्पिटल्स में ट्रीट होगी तो ये बहुत नाइविटी है। और ये तमाम लोग वो हैं जिनको जनरल प्रैक्टिशनर्स को ट्रीट करना चाहिए, जनरल प्रैक्टिशनर्स को डायबिटीज़ अच्छे से ट्रीट करना आना चाहिए, उन्हें डायबिटीज़ की काउंसलिंग आना चाहिए, स्क्रीनिंग के बारे में उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ड्रग मैनेजमेंट उनको प्रॉपर करनी आनी चाहिए, तभी ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसके अंदर हम काबू पा सकते हैं। वरना पुअर कंट्रोल के साथ अगर पेशेंट्स आते रहे तो हमारे टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स के अंदर तो शायद इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो इन कॉम्प्लिकेशंस को ले सकें उसके बाद, क्योंकि ख़राब कंट्रोल के साथ पेशेंट्स की वजह से पेशेंट्स में ख़राब कंट्रोल की वजह से हो सकते हैं। जनरल प्रैक्टिशनर्स की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, मैसेज की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है प्रिवेंशन के हवाले से, और एजुकेशन इज़ द की आई थिंक, और अवेयरनेस क्रिएट करना हर एक सेक्टर में इस डिज़ीज़ के बारे में, इसके बगैर इसके ऊपर काबू पाना बहुत मुश्किल है, वरना ये चंद सालों में पाकिस्तान में जो पानी का मसला है शायद उससे बड़ा मसला बन जाएगी डायबिटीज़। सर जो ऑब्जेक्टिव लेके आप लोग चले थे और आज का इवेंट आपने मैनेज किया है तो वो ऑब्जेक्टिव आज अचीव हो गया?
जी बिल्कुल, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा. हमें हमारा जो पर्पस था इसको ऑर्गेनाइज़ करवाने का, डॉक्टर्स को हमने यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म दिया नेटवर्किंग के लिए, फॉर मेडिकल एजुकेशन, टू अपडेट देम ऑन रीसेंट रिसर्चेस. सो डॉक्टर्स आर वेरी हैप्पी, डॉक्टर्स का रिस्पांस बहुत अच्छा था. I am with Mr. Li Liang from Thai G Group. Let's talk to him about what are his feedbacks about the event and how important does he think that such events are. Sir? So from last few days, I'm studying this hospital, and this hospital starts the new project to benefit to every people. So we are Thai G Group, is the state of Chinese government, and we are company more interesting and follow the feedback. We are company, we invest our traditional medicine technology and invest factory in Pakistan. We also cooperation the hospital benefit to everyone. So that's why I come here, and from this meeting I'm so excited. I'm excited. We are company ready to join that group and that hospital benefit to everyone in Pakistan. मेरे साथ एक जनरल प्रैक्टिशनर मौजूद है, इनसे बात करने. अस्सलाम वालेकुम मैम. सिंस दिस इवेंट वाज अबाउट एम्पावरिंग द जनरल प्रैक्टिशनर्स एंड यू बीइंग जनरल प्रैक्टिशनर, आपको आज इस इवेंट पे आके कितना फ़ायदा हासिल हुआ? वालेकुम अस्सलाम. इट वाज अ ग्रेट इवेंट, और बेसिकली जैसे आप देख भी रहे हो, मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज इन कम्युनिटी था, विच इज़ एन इमर्जिंग प्रॉब्लम इन एंटायर वर्ल्ड. उस हिसाब से दिस वॉज समथिंग जिससे डॉक्टर्स को भी रिफ्रेशर हो गया, जो जनरल पब्लिक है उनको भी एक आइडिया हो गया. अपकमिंग रमज़ान के भी हमें एक बैकअप मिल गई कि अच्छा इस तरह से आपने ड्रग डोजिंग को एडजस्ट करना है, और एक ये भी पता चल गया कि एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल अवेलेबल है जहाँ पे हम पेशेंट्स को रेफ़र कर सकते हैं. तो इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो अवेयरनेस देते हैं और डॉक्टर्स को रिफ्रेश कर देते हैं, हमें मज़ीद जिसे कहते हैं सीखने का मौका देते हैं. This was a multi-pronged, multi-objective session, which we hope to continue in the future and make it on a regular basis, working with the local GPs and family medicine and getting the modern techniques out to the public, as well as learning from them based on what the community needs.